स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंस इक्वेशंस, जिसमें हम आज डिफरेंट मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इस पर डिपेंड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका मेथड समझ लेते हैं। देखिए, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, जिसमें हम इक्वेशन आपको दी होगी इस टाइप की, फाई ई वाई के इज इक्वल टू आर के, यानी फंक्शन ऑफ ई, ई एक शिफ्ट ऑपरेटर होता है और वाई के एक वेरिएबल, वाई और के दोनों वेरिएबल हैं, इज इक्वल टू आर के। आर के क्या है? फंक्शन ऑफ के। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका फार्मूला ये है, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, जो आर के होगा यानी फंक्शन ऑफ के, कहीं ये ज़ीरो होता है, तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है, जैसे कि यहाँ फाई ई वाई के इज इक्वल टू ज़ीरो, तब जो सॉल्यूशन होगा वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। जब आर के कोई फंक्शन होगा, टर्म्स इन आर के, आर के इन फाइव टाइप का फंक्शन हो सकता है, इसके लिए हम जो ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, ये यहाँ हमें समझना है और इसको याद भी रखना है। देखिए, अगर आर के इस फॉर्म का है बीटा की पावर के, तब जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तब हमें उससे पहले ट्रायल सॉल्यूशन लेट करना होगा, कंसीडर करना होगा, वो हम ये कंसीडर करेंगे, ए बीटा की पावर के, ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अगर आर के जिसको हम कह रहे हैं फंक्शन ऑफ के, वो फंक्शन बीटा की पावर के फॉर्म का है, तब हमें ट्रायल सॉल्यूशन ये कंसीडर करना होगा, ए इंटू बीटा की पावर के, यानी इसकी मल्टीप्लाई ए से कर दें तो वो ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि जो फंक्शन ऑफ के है वो यदि इस फॉर्म का हो, साइन अल्फा के और कॉस अल्फा के, तब हमें जो ट्रायल सॉल्यूशन लेट करना होगा वो होगा ए कॉस अल्फा के प्लस बी साइन अल्फा के। ध्यान रखना है, चाहे कॉस हो या फिर साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए यही हमें ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करना होगा। ओके, अब थर्ड, बीटा की पावर के इंटू पी के, बीटा की पावर के पी के, पी के क्या है, वेयर पी के इज पॉलिनोमियल ऑफ mth डिग्री इन के, m डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है, तो बीटा की पावर के की मल्टीप्लाई में यदि कोई पॉलिनोमियल है, तब जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, बीटा की पावर के ए ज़ीरो, के की पावर एम ए वन, के की पावर एम माइनस वन प्लस वन ए एन। फोर्थ, बीटा की पावर के साइन अल्फा के और बीटा की पावर के कॉस अल्फा के, अगर इस टाइप की फॉर्म में, इस टर्म आर के में, आर के मीन्स राइट एंड में जो फंक्शन होगा उसको हम आर के लिख रहे हैं, तब जो है जो हमें ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करना होगा वो ये फॉर्म होगी, बीटा की पावर के ए कॉस अल्फा के प्लस बी साइन अल्फा के। फिफ्थ, पी के, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, किसी भी डिग्री एम का कोई पॉलिनोमियल हो तब हमें ये कंसीडर करना होता है, ए जीरो के की पावर एम प्लस ए वन के की पावर एम माइनस वन सो ऑन ए एम। ठीक है, तो ये फाइव टर्म है आर के की जिनकी फॉर्म ये है और इनके लिए ट्रायल सॉल्यूशन ये कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व वाई के प्लस टू माइनस सिक्स वाई के प्लस वन एट वाई के प्लस
इज इक्वल टू 3k² + 2 - 5 × 3 की पावर k। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या रिड्यूस्ड सॉल्यूशन। वाई के इज इक्वल टू सी वन, इसके हम क्या करेंगे, ऑक्जिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्जिलरी इक्वेशन से जो रूट्स आएंगे, आर की वैल्यू आएंगी, यहाँ वैल्यू आएगी आर की 2 और 4, सी वन 2 की पावर k + c2 4 की पावर k। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा इसका। अब राइट हैंड में जिसको हम आर के कह रहे हैं फंक्शन ऑफ के, इसके लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। फिर हम दोनों सॉल्यूशन का प्लस कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए हमें इस आर के लिए ट्रायल सॉल्यूशन बनाना होता है, जो कि ये होगा वाई के। देखिए इन दो टर्म के लिए ये होगा a1k² a2k + a4 a3 इसको अच्छा a4 रखा, a3 ये है। और दूसरा सॉल्यूशन इसके लिए 5 × 3 की पावर k, a4 × 3 की पावर k। तो ये क्या हो गया, ट्रायल सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, a1 a2 a4 a3 चारों की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों को प्लस करना है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, वाई के इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या करना है, yk + 2 - 6yk + 1 + 8yk, ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है इक्वेशन वन में, जो कि गिवन है हमारे लिए। तो हमें क्या किया, yk + 2, देखिए a1k + 2 का होल स्क्वायर a2k + 1 + a3 a4 3 की पावर k + 2, ये yk + 2 की वैल्यू है यहाँ तक। माइनस का 6 ये लिखा है, फिर यहीं से a1k + 1 का स्क्वायर a2k + 1 a3 और a4 3 की पावर k + 1, यानी k प्लेस पर k + 1 लिख दिया। फिर ये आ गया प्लस का 8 वाई के, ये एज इट इज जैसा था वो लिखा। अब हम क्या करना है पता है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, और इसका सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा 3a1, ये आपको खुद करना है, 3a1k² 3a2 - 8a1k + 3a3 - 4a2 - 2a1 - a4 3 की पावर k। अब हम अरेंज करेंगे a1 की कोफिशेंट में a2 के और a3 के a4 के, वो ये आ गया a1k² 3a2k a3 a4 a2 2a1 a4 3 की पावर k इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ लाइक टर्म्स, जैसे के स्क्वायर की कोफिशेंट 3a1 है, इधर 3 इक्वल हो गया, के का कोफिशेंट ये है, ये लिखा, इधर इधर के का कोफिशेंट नहीं है, 0 है, तो 0 लिखा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म है ये, यहाँ तक इधर कांस्टेंट टर्म 2 के इक्वल हो गया। फिर 3 की पावर k का कोफिशिएंट - a4 और यहाँ -5, तो a4 = 5 आ गया, और a1 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से। अब a1 यहाँ पुट कर दें, a2 आ जाएगा, और a3 के लिए a2 a1 यहाँ पुट कर दें, a3 आ गया। ये चारों वैल्यू हमें मिल गई, और ये ऑल वैल्यूज पुट इन इक्वेशन। तो देखिए पुट करने से क्या आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाई ये k² a1 के प्लेस पर हमने 1 लिखा, तो ये k² + a2 के प्लेस पर 8/3 k a3 के प्लेस पर कितना 44/9 ये लिखा, और a4 के प्लेस पर हम क्या वैल्यू आई है,
फोर की फाइव, फाइव इंटू थ्री की पावर के, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन था, वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्जिलरी इक्वेशन में हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, आर मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑक्जिलरी इक्वेशन। तो आर की वैल्यू यहाँ से टू और फोर आएंगी, कैसे, यहाँ आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस एट, इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर टू और फोर होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाई के इज इक्वल टू सी वन, ये आपको बताया गया है। फोर केस में सी वन रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट, टू की पावर के, सी टू फोर की पावर के। तो ये एक क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन दिस इक्वेशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, जो कि हमने ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट की, ठीक है। क्या क्या, एडिंग दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन वाई के इज इक्वल टू, देखिए ये जो सॉल्यूशन है सी वन टू की पावर के, सी टू फोर की पावर के प्लस, और ये जो क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के स्क्वायर एट अपॉन थ्री के प्लस फोर्टी फोर अपॉन नाइन प्लस फाइव इंटू थ्री की पावर के। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, जो कि इक्वेशन हमें गिवन थी, इक्वेशन थी। कहीं कहीं क्या होता है, राइट एंड में जीरो होता है, तो ये हम बता चुके हैं, फिर रिपीट करते हैं कि जब राइट एंड में जीरो होगा तो जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के बराबर होगा।